देखो लाइब्रेरी में अमूमन जो है हमारे यहाँ, एक तो कोई भी स्टूडेंट जाता है उसके लिए रिजर्व सीट रहती है जी जी, और वाईफाई का रहता है कि आप कितना भी वाईफाई चलाइए अपने पढ़ाई से रिलेटेड, अब वो डिपेंड करता है बच्चा क्या यूज कर रहा है बेसिकली। और एक साइलेंट आपका एटमॉस्फेयर रहता है, जैसे कि अगर घर पे नहीं होता बच्चा गया और देखते हैं कि अलग से फीलिंग आती है कि हाँ ये पढ़ने का माहौल है, पढ़ना चाहिए। देखिए सर, हमारे यहाँ क्लासेज में बनडे एग्ज़ाम की जो तैयारी कराते हैं हम लोग, जैसे बनडे एग्ज़ाम जैसे SSC रेलवे वगैरह जनरल कंपटीशन की ऑलरेडी तैयारी कराते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार दुबे, HBN न्यूज़ में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे बीच आए हैं मिस्टर रंजीत सिंह, जो डायरेक्टर हैं इंडियन कॉम्पिटिशन क्लासेस एंड लाइब्रेरी के। आज हम उनसे कुछ खास बातचीत करेंगे, आज उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनके कोचिंग सेंटर्स के अंदर वो किस तरह की एजुकेशन और फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू दीपक जी, आपने जी हाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। HBN के दर्शकों के लिए आप सभी को नमस्कार। सर मैं सबसे पहले चाहूँगा कि एक बार हमारे चैनल के माध्यम से आप हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में कुछ बताएं। मायसेल्फ रंजीत सिंह है, मैं इंडियन कोचिंग कंपटीशन क्लासेज एंड लाइब्रेरी को संचालित कर रहा हूँ, जो आपके अपने शहर अलीगढ़ में है, एटा चुंगी पर है। सर मेरा सबसे पहला सवाल, और अनुमान नॉर्मल सभी का ये सवाल होगा, मेरे व्यूअर्स का भी यही सवाल होगा कि आपके कोचिंग सेंटर में किस तरह की एजुकेशन आप प्रोवाइड करते हैं। सर देखिए सर, हमारे यहाँ क्लासेज में बनडे एग्ज़ाम की जो तैयारी कराते हैं हम लोग, जैसे बनडे एग्ज़ाम जैसे SSC रेलवे वगैरह जनरल कंपटीशन की ऑलरेडी तैयारी कराते हैं। किस टाइप के कंपटीशन होते हैं सर? जैसे गवर्नमेंट जॉब में जैसे पुलिस, UPSI और जो रेलवे, बैंकिंग वगैरह SSC के थ्रू जितनी भी बनडे एग्ज़ाम्स की तैयारी होती है, और स्पेशली नॉन टेक्निकल। जी सर, अगला मेरा सवाल आपसे आता है कि हम लोग देखते हैं कि ये जो आप पुलिस की तैयारी कराते हैं, गवर्नमेंट की तैयारी कराते हैं, रेलवे कराते हैं, इसका बेस कहाँ से स्टार्टअप होता है सर? देखिए सर, अगर हम देखा जाए तो ये जो कंपटीशन की जो तैयारी है ये तीन फॉर्मेट में निकलते हैं लगभग। एक तो 10th बेस से निकलती है कुछ वैकेंसी, जैसे कि रेलवे ग्रुप डी होगा, और रेलवे में ज़्यादातर वैकेंसी रेलवे 10th से निकलती हैं, 12th से निकलती हैं और ग्रेजुएशन से। तो बच्चा तीनों फॉर्मेट में, मोस्टली बालक जो है 12th होने के बाद ही आता है जी जी, और ग्रेजुएशन के बाद में जी। तो उसी के हिसाब से जिस तरह का उसका बेस है उसी हिसाब से हम प्रोवाइड कराते हैं। सर अकेडमिक भी आप प्रोवाइड कराते हैं? हाँ, अकेडमिक का हमारे यहाँ इवनिंग में चलते हैं बैचेस जी, 9th से लेके 12th तक के। सर जैसे कि हम देखते हैं कि आज की डेट में AMU एंट्रेंस की प्रिपरेशन हो रही है, JMU की प्रिपरेशन हो रही है, तो कुछ इस तरह की एंट्रेंस एग्जाम की भी प्रिपरेशन? नहीं सर, अभी तो हम लोग जनरली ही कंपटीशन का जो वनडे एग्जाम्स होते हैं वो कराते हैं, और ये जो एकेडमिक जो बेसिक है वो कराते हैं। अभी इस तरह का भी हमारे यहाँ कोई इन फ्यूचर हो सकता है, लेकिन अभी नहीं है। सर जैसे कि आप कंपटीशन की तैयारी कराते हैं तो सबसे पहला सवाल उठता है एक फैकल्टी को लेकर के, कि एक अच्छी फैकल्टी होती है तो एक जो ख़राब स्टूडेंट होता है उसको भी बेटर बना देती है, और जो बेटर स्टूडेंट होता है उसको भी ख़राब कर देती है। तो आपके यहाँ जो फैकल्टी हायर होती है वो किस बेस से होती है सर? हाँ सर, वो जैसे कि कहते हैं कि जैसा टीचर होगा स्टूडेंट भी वैसे ही बनेंगे। exactly, तो ये ना बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फैकल्टी का, कि फैकल्टी आप कैसी रखते हो जी। अब हमने फैकल्टी रख ली, उसको सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज ही नहीं है, तो वो फिर बच्चों को ही क्या ट्रीट exactly, करेगा। तो उसमें ना ऐसा रहता है कि जैसे जो भी टीचर है, और जनरल कंपटीशन में क्या है कि अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स है, रीजनिंग है, रीजनिंग में भी अलग अलग पार्ट होते हैं, GS में भी हिस्ट्री है, जियोग्राफी में भी अलग अलग है, हिस्ट्री में भी अलग, तो उन सबका ना एक स्पेशली अलग अलग टीचर होता है, जैसे कि करंट अफेयर्स का अलग होता है। और उसके लिए हम लोग जो है ना पहले ये करते हैं कि टीचर का पहले खुद इंटरव्यू लेते हैं, फिर उसके बाद डेमो कराते हैं, और उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, उसको कितना एक्सपीरियंस है, पता चला कि उसको लाके खड़ा कर दिया, बच्चों ने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया तो जी, बिल्कुल। और बच्चों के व्यूज पे रहता है ज़्यादातर, बच्चे का सेटिस्फेक्शन है तो ठीक है। सब और कुछ टाइम क्लासेस करा के देखते होंगे, एक डेमो क्लासेस 3 से 4 दिन की? हाँ, 3 to 4 days तो टीचर का डेमो रहता है, उसके बाद ही टीचर को हायर किया जाता है। सर आपके कोचिंग सेंटर्स में भी ऐसा होता होगा, बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स में आता है, कुछ बच्चे तो इंटेलिजेंट होते हैं जो कम समय में कुछ अच्छा खासा सीख जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं डफर जिनको कितना भी समझा लो लेकिन वो उनकी समझ में नहीं आता, तो उनको कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या आपके इंस्टीट्यूशन में इस तरह की फैसिलिटी है कि डाउट्स क्लासेस हों, एक्स्ट्रा क्लासेस हों? देखिए सर, ऐसा है कि
हर तरह की डाइवर्सिटी है बच्चे के माइंड की। देखो हर तरह के लेवल के बच्चे हैं, तेज भी है थोड़ा, कोई धीरे सीखता है, लेकिन एक सीखते सब हैं, कोई पहले सीख लेता है कोई बाद में, लेकिन एक किसी का सीखने का प्रोसेस सब थोड़ा सा स्लो होता है। तो लगता है कि इस बच्चे को अगर ज़्यादा वीक है, अगर रेगुलर क्लास में मैनेज नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग ने उसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस उसको रखते हैं। और मैं भी वहाँ रहता ही हूँ, तो जिस तरह की अगर किसी भी टीचर से अगर दिक्कत होती है तो उस टीचर के थ्रू उसके डाउट सॉल्व करवा देते हैं। और टॉपिक के बाद में हम लोग डाउट सेशन भी कराते हैं रेगुलर। जी सर, जैसे कि हम देख रहे हैं कि कोविड के बाद 2020 के बाद में देखते हैं कि बहुत सारे जो एजुकेशन है या जॉब्स हैं वो वर्क एट होम हो गई और एजुकेशन ऑनलाइन हो गई। तो सर ये ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या डिफरेंस है, और क्या आपके हिसाब से ऑनलाइन ठीक है या ऑफलाइन ठीक है? देखिए सर, मैं मेरा जैसा व्यू है कि, और आप भी जानते हैं कि हर चीज़ का एक प्लस और एक नेगेटिव पॉइंट होता है। ऑफलाइन इज ऑफलाइन, ऑनलाइन इज ऑनलाइन। अब ऑनलाइन से ये कि बच्चा अगर किसी को अगर यहाँ से हमें कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं कि जिन पर बच्चा नहीं ढूंढ पा रहा है, किसी की ऐसी सुविधाएं गाँव से नहीं बाहर जा पा रहा है, तो वो आज के टाइम में कम पैसे में घर बैठे भी एक अच्छी तैयारी कर सकता है। और ऑफलाइन तो बेसिक स्टूडेंट जो है, जो ऑनलाइन की बेटर ऑफलाइन में जल्दी से सीख जाता है, जिसको बेसिक कभी उसने स्टार्टिंग नहीं किया, बिगनर्स है, उसके लिए एक बार तो मेरी समझ से ऑफलाइन बनता ही है। जी सर, एक आज की डेट में हम बहुत ज़्यादा चलन देख रहे हैं, और जैसे कि आपके इंस्टीट्यूशन का नाम भी है एंड लाइब्रेरी, तो बहुत ज़्यादा चलन चल रहा है लाइब्रेरी का, तो ये लाइब्रेरी से एजुकेशन के ऊपर क्या असर पड़ा है और क्या ये लाभकारी है सर? देखिए सर, जो भी चीज़ आती है वो कहीं ना कहीं लाभकारी तो होती है हमारे लिए। और इसमें जो कि जैसे लाइब्रेरी की बात करें, तो आजकल का जो लाइब्रेरी कल्चर है उसने कंपटीशन को बहुत ही हेल्थी बना दिया है जी। और ऐसा नहीं है कि बच्चे वहाँ वाकई में पढ़ रहे हैं 12-12 घंटे, 24-24 घंटे। अगर आप जाओगे, पहले क्या होता था कि अकेला बच्चा पढ़ा, लेकिन लाइब्रेरी में आप जाओगे तो रात को 1-1, 2-2 बजे, 3-3 बजे फुल नाइट भी बच्चे पढ़ रहे हैं। पहले क्या होता था कि जैसे कि कोई स्टूडेंट है जिसकी ऐसी परिस्थितियां, घर पे जॉब भी कर रहा था साथ ही साथ, वो नहीं पढ़ पा रहा है, घर पर ऐसा माहौल होता है नहीं पढ़ पाते, तो वो क्या करते हैं आज के दौर टाइम पर कि जॉब वगैरह किया, अपना जो भी काम फिनिश किया, शाम का टाइम निकाला 11-12, 5-6 घंटे निकाले, लाइब्रेरी में पढ़ रहा हूँ। और बहुत ही अच्छा माहौल है, लाइब्रेरी से कंपटीशन बढ़ा है, और अलीगढ़ में तो बहुत सारा कंपटीशन हो गया जब से लाइब्रेरियाँ हुई है तब से। जैसे कि सर आपके, आपकी भी अपनी खुद की एक लाइब्रेरी है जी सर, तो आपकी लाइब्रेरी में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं सर? देखो लाइब्रेरी में अमूमन जो है हमारे यहाँ, एक तो कोई भी स्टूडेंट जाता है उसके लिए रिजर्व सीट रहती है जी जी, और वाईफाई का रहता है कि आप कितना भी वाईफाई चलाइए अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, अब वो डिपेंड करता है बच्चा क्या यूज कर रहा है बेसिकली। और एक साइलेंट आपका एटमॉस्फेयर रहता है, जैसे कि अगर घर पे नहीं होता, बच्चा गया और देखते हैं कि अलग से फीलिंग आती है कि हाँ ये पढ़ने का माहौल है, पढ़ना चाहिए जी। और न्यूज़पेपर वगैरह और खाने वगैरह, ये सारी चीज़ें जो बेसिकली नीड्स होती हैं, वो सारी फैसिलिटी लाइब्रेरी में हैं। सर जैसे कि हम देखते हैं बच्चे काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे होते हैं, कुछ बच्चे कॉम्पिटिशन क्लियर कर जाते हैं, क्रैक कर जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो काफ़ी बार ट्राई करने के बाद भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से क्रैक नहीं कर पाते, डीमोटिवेट हो जाते हैं, कुछ लोग छोड़ना चाहते हैं, कुछ लोग गलत रास्ता अपना लेते हैं, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए सर? देखिए सर, मेरा मानना ये है कि जैसे कि अभी हम जो, पहली बात तो ये कि हम ये देखें कि तैयारी क्यों कर रहे हैं, जॉब के लिए कर रहे हैं तैयारी, और जॉब ने एक जीने का जरिया है ज़िंदगी को, ना कि एक जॉब परमानेंट नहीं है जी जी। तो नहीं मिलेगी, देखो हमने एक कहानी कहावत सुनी है कि मेहनत ना कभी बेकार नहीं जाती है, आप अगर किसी भी फील्ड में मेहनत करोगे तो वो कहीं ना कहीं जाके आपको रिटर्न्स जरूर करेगी जी। तो इसमें डीमोटिवेट होने की तो ये कि अगर आपको जॉब चाहिए तो आप अपनी कमियों को एनालिसिस करें, और उसके अलावा कि एनालिसिस करने के बाद उन पर काम करें, और मुझे नहीं लगता कि धीरे धीरे लगे रहें तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। और आप भी जानते हैं कि सब मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। सर हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल के माध्यम से जो स्टूडेंट्स हैं जो कभी डीमोटिवेट हो जाते हैं या गलत रास्ता अपना लेते हैं, पढ़ाई से अलग हट जाते हैं, तो मैं चाहता हूँ एज ए शिक्षक आप हमारे चैनल के माध्यम से उनके लिए कुछ देखिए सर मैं तो ये कहूँगा कि जैसे कि जो आज का दौर है, जो आज का सोशल मीडिया का दौर है, सबसे ज़्यादा मेन चीज़ जो मैंने एनालिसिस की, जैसे कि लाइब्रेरी में जा रहे हैं बच्चे, क्या करते हैं कि 12 घंटे का शिफ्ट ले लेते हैं सुबह से शाम तक, तो हमें उनको एक फिक्स होता है दिमाग में कि नहीं सर हमें हमारी शिफ्ट 8 बजे ख़त्म होगी और हम 8 बजे ही घर जाएंगे, लेकिन आपकी कैपेसिटी नहीं है इतनी, तो आप क्या करते हो इधर उधर करके अपना टाइम थोड़ा सा वेस्ट कर रहे हो। तो और
मोबाइल में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे, इन सब चीज़ों को छोड़ के और ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स से पढ़ाई करें और नेगेटिव थॉट्स में न लाएं और इतना माने और अपने आप पे भरोसा रखें कि हाँ मैं इस काम को कर पाऊँगा और डेफिनेटली वो कर जाएंगे। और नहीं भी होता है ना तो कोई दिक्कत नहीं हो, आगे जाके बहुत कुछ अच्छा करोगे, जरूरी नहीं है कि ज़िंदगी ही एक नौकरी है जी। तो आज थे हमारे बीच मिस्टर रंजीत सिंह, जो इंडियन कंपटीशन क्लासेस और लाइब्रेरी के डायरेक्टर थे। आज हमने उनसे कुछ खास बातचीत की। सर की कॉन्टैक्ट डिटेल्स और लोकेशन हमारे चैनल पर अवेलेबल रहेगी। किसी भी तरह की कोई समस्या होती है एजुकेशन से रिलेटेड, सर को कॉल कर सकते हैं या सर के सेंटर पर विजिट कर सकते हैं। मैं दीपक कुमार दुबे, HBN News, धन्यवाद।